मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की होम स्टे योजना को बढ़ावा देने के लिए IHM ग्वालियर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब होम स्टे योजना के अंतर्गत चंबल के बीहड़ों में कॉटेज बनाए जाएंगे और स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजनों से अतिथियों को अवगत कराया जाएगा। क्षेत्रीय व्यंजन कार्यशाला में कार्यक्रम के वक्ता के रूप में इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ व्याख्याता बंकिम ज्वारदार थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ चंबल अंचल के लोकप्रिय व्यंजनों का वीडियो प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि तेजी से भागती जिंदगी के बीच हम सभी ने फास्ट फूड के साथ साथ अन्य फूड के स्वाद को अपना लिया है और भारतीय व्यंजनों को पीछे छोड़ दिया है, जबकि अन्य देशों में इन व्यंजनों की काफी लोकप्रियता है। होम स्टे की लोकप्रियता को बढ़ाने में ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले व्यंजन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमें चंबल क्षेत्र के ग्रामीणों को उनकी ताकत से रूबरू कराना है। कार्यशाला में निकल कर आया कि होम स्टे योजना के अंतर्गत चंबल के बीहड़ों में कॉटेज बनाए जाएंगे। इनकी संख्या शुरुआती चरण में 3 से 4 रहेगी। यहाँ ठहरने वाले सैलानियों को विशेष सुरक्षा मिलेगी। टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि बीहड़ों को लेकर सैलानियों के बीच खासा क्रेज है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के डायरेक्टर मनोज सिंह ने बताया, होम स्टे का सीधा सीधा फायदा ग्रामीणों को मिलने वाला है। इस योजना की मदद से वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे। कमाई का 95% हिस्सा योजना से जुड़ने वालों के पास जाएगा, सिर्फ 5% बोर्ड के पास रहेगा। लेकिन इससे पहले हमें ग्रामीणों को अतिथि सत्कार की परिभाषा से परिचित कराना होगा, क्योंकि उनका जीवन शहरी क्षेत्र से एकदम अलग होता है, मगर इसमें भारतीय संस्कृति का समावेश रहता है। उन्होंने कहा, ग्रामीण संस्कृति के विदेशी मेहमान दीवाने होते हैं। टूरिज्म बोर्ड होम स्टे के अलावा प्रदेश स्तर पर और भी योजनाओं पर काम कर रहा है। फिलहाल भोपाल, इंदौर और ग्वालियर IHM अपने अपने क्षेत्र के प्रचलित व्यंजनों पर किताब लिख रहे हैं। इस कार्यशाला में श्योपुर DM रूपेश उपाध्याय, टूरिज्म बोर्ड के सलाहकार प्रशांत चिरोलिया, IHM के प्राचार्य मनोज कुमार दास के अलावा IITTM जीवाजी विश्वविद्यालय, होटल मैनेजमेंट, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जिला पुरातत्व आदि के प्रतिनिधि मौजूद रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।